हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फॉर्म वैलिडेशन सीखने वाले हैं। तो हमारा ये टीच कोडर्स का लिंक है जिसमें HTML कोड और JS कोड है और CSS कोड भी है, ठीक है। तो वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, फिर भी हम मैनुअली बता देते हैं। इसका URL है teachcoders.com/javascript/example, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में जो हमारा है नंबर 12 फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं फॉर्म वैलिडेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे टॉप में HTML कोड मिलेगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा और उसके बाद CSS कोड मिलेगा। तो इससे पहले हम लाइव प्रीव्यू को देख लेते हैं। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया तो देखिए हमें ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट डेटा लिस्ट है, मतलब स्टूडेंट को इंक्वायरी फॉर्म है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, स्टूडेंट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, कंट्री, क्लास टाइमिंग, कोर्स लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे फिलअप किए हुए इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब क्या बोल रहा है, प्लीज इनपुट यूजर नेम। अब हम यूजर नेम मतलब कि स्टूडेंट के नेम डाल देते हैं। तो नेम में डालते हैं राम, ओके, राम डाल दिए। उसके बाद क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा ईमेल है, ईमेल पे अब ईमेल भरने के लिए बोल रहा है, तो हम डाल देते हैं ram@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ओके। उसके बाद हम बिना फिलअप किए फिर से क्लिक करते हैं, तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए बोल रहा है, प्लीज इनपुट यूजर मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर 99 कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर क्लिक करते हैं तो इस पर बोल रहा है सेलेक्ट योर कंट्री। अब कंट्री नेम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए सेलेक्ट योर क्लास टाइमिंग, किस टाइमिंग में आप क्लास करना चाहते हैं। तो चलिए हम 6 PM to 8 PM क्लास करना चाहेंगे, तो इस पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करते हैं, अब देखिए सेलेक्ट योर कोर्स नेम, अब कौन कौन से कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बोल रहा है। तो हम चलिए जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे, एंगुलर भी पढ़ लेंगे, नोड भी पढ़ लेंगे, मैंगो भी पढ़ लेंगे, एक्सप्रेस भी पढ़ लेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब हमें ये सारा जो डेटा है इसको हम शो कराए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भरे थे, नेम राम, ईमेल ram@gmail.com, मोबाइल नंबर 99 जो भी, उसके बाद कंट्री इंडिया, कोर्स टाइमिंग 6 PM to 8 PM, कोर्स लिस्ट जावास्क्रिप्ट और एंगुलर नोड मैंगो डेवी एक्सप्रेस से आ रही, ये डेटा आ गया। तो चलिए अब अपने HTML एडिटर में चलते हैं, जहाँ पे हम इसके कोड को यूज करके प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इससे पहले हम बैक कर चलते हैं, बैक आ गए, उसका देखिए फॉर्म वैलिडेशन पे क्लिक कर दिए और हम HTML कोड और CSS कोड को यूज कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को कोड को कॉपी करके HTML का मतलब HTML और CSS को कॉपी करके अपने एडिटर में चलते हैं, अब जहाँ पे वहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और इसमें सारे कोड को भी पेस्ट कर दिए। तो देखिए सबसे टॉप में मतलब हेड टैग के अंदर CSS रखे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक CSS है, और बॉडी टैग के अंदर हमारा HTML कोड है, ठीक है, और लास्ट में स्क्रिप्ट टैग यूज किए हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले इसके डिजाइन को अब दिखा देता हूं आपको, ओपन इन ब्राउजर कर देते हैं, ये सारे को बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए ये सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, इसको इसको और इसको इसको, मतलब कि नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, कंट्री, क्लास टाइम, सॉरी कंट्री कंट्री का यूज करेंगे, चार को पहले प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटन को फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद उस पर ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जावास्क्रिप्ट अपने HTML के अंदर कर चलते हैं। तो हमारा देखिए बटन का नाम माई बटन है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं बटन के लिए, var var btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस डबल कॉमा डॉट माई बटन, ओके।
अब हम क्या करेंगे, इस पे एड इवेंट लिस्टनर का यूज कर लेंगे। चाहते तो यहीं पे हम फंक्शन को कॉल कर सकते थे, लेकिन हम एड इवेंट लिस्टनर का यूज करेंगे। ptm डॉट एड एड इवेंट लिस्टनर राउंड ब्रेसेस डबल कॉमा क्लिक, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं stdfunc। ठीक है, अब हम फंक्शन को बना लेते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, पता है ना आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम हम क्या देने वाले हैं, stdfunc। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, एक अलर्ट मैसेज पास कराएंगे, उसमें क्या लिख देंगे, दिस इज वर्किंग। ओके, दिस इज वर्किंग। ठीक है, अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और उसको रन करा करके देखते हैं। ये देखिए, दिस इज वर्किंग, ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसको हटा देते हैं, तो देखिए अब इस फिर से ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये चारों को हम वैलिडेशन कराने वाले हैं, मतलब कि मेन ईमेल कॉन्टेक्ट कंट्री को वैलिडेशन कराने वाले हैं। तो इसके लिए हम चारों को एक एक वेरिएबल मेल वेरिएबल में फाइंड करेंगे, मतलब स्टोर कराएंगे। तो एक वेरिएबल में लेते हैं वेर एसटीडी नेम। ठीक है, एसटीडी नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस डबल कॉमा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टूडेंट का नेम वाला फील्ड कौन सा है, ये देखिए हमारा नेम फील्ड यूजर नेम है, आप लिखे इसका क्लास नेम क्या है, यूजर नेम। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसी को हम देखिए पेस्ट कितनी बार पेस्ट करेंगे, 1 2 3 4, मतलब 3 बार हम इसे टेस्ट करेंगे। तो 1 2 3। ठीक है, अब हम जो हमारा दूसरा क्या होगा, ईमेल के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल एसटीडी ईमेल, मतलब ये हमारा वेरिएबल ईमेल के लिए हो गया। और तीसरा वेरिएबल हमारा किसके लिए होगा, कॉन्टैक्ट के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसटीडी कॉन्टैक्ट ही कर देते हैं। और ये चौथा होगा कंट्री के लिए होगा, तो एसटीडी कंट्री। अब इधर हम क्लास नेम चेंज कर लेंगे, तो यूजर नेम हो गया। उसके बाद नेम ईमेल के लिए हमारा क्या है, ये देखते हैं, नेम ईमेल का के लिए क्लास नेम यूजर ईमेल है, तो यहाँ पे हम यूजर ईमेल को पेस्ट कर चेंज कर दिए। और उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए हमारा ये क्लास नेम देखिए यूजर मोबाइल है। ठीक है, यूजर मोबाइल कर दिए। अब हमारा कंट्री के लिए देख लेते हैं, कंट्री के लिए क्लास नेम देखिए कंट्री है, कंट्री को कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब सारे मिल गया, उसके वैल्यू को लेना है, यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट वैल्यू सिर्फ लिख देंगे, डॉट वैल्यू। ओके, कॉपी और इस सब में पेस्ट कर देते हैं, सारे में पेस्ट हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, एक अलर्ट में सबको पास करा करके देख लेते हैं, प्रिंट करा करके देख लेते हैं कि हमारा वो मिल रहा है डेटा कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे नेम में कुछ भी डाल देते हैं, देखिए हमें नेम की डेटा मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको ईमेल के लिए भी चेक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब ईमेल के लिए देखते हैं, इसको डिलीट कर दिए और इसमें ईमेल के लिए हम कर देते हैं, ईमेल की डेटा नहीं मिल रही है, क्यों, यूजर मेल एसटीडी ईमेल ईमेल। ठीक है, यूजर ईमेल, एक मिनट देख लेते हैं क्लास नेम मिल रहा है या नहीं, यूजर ईमेल तो मिल रहा है हमें और यहाँ पे वो नहीं मिला, क्यों, यूजर ईमेल नहीं मिला, रीजन क्या है। सेव कर दिए, ओपन इन ब्राउजर, फिर से इसको डालते हैं ईमेल के, देखिए सेव नहीं हुआ था ये ईमेल के भी डेटा हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, और मोबाइल के डेटा में 99 में कुछ भी डाल देते हैं, ये देखिए
कमांड के डेटा के लिए रन नहीं हुआ भाई क्यों? मोबाइल एक सेकंड, कंसोल देख लो, कंसोल में एरर में है कुछ प्रॉब्लम? एक सेकंड, कंसोल में यूजर मोबाइल इज नॉट डिफाइंड, यूजर मोबाइल, हाँ सॉरी हमने ये कर दिया यहाँ पे, वेरिएबल नेम क्या है, एसटीडी कॉन्टेक्ट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए मोबाइल नंबर, चलिए मोबाइल नंबर का 99 कुछ भी डाल देते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए आगे, अब इसी टाइप से हम कंट्री के लिए भी देख लेते हैं। तो हमारा कंट्री का नाम वेरिएबल नेम एसटीडी कंट्री है, पेस्ट कर दिए और सेव कर दिए। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं, ये देखिए कंट्री नेम नहीं आया, क्यों सेव नहीं हुआ होगा, एक सेकेंड, हाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर इंडिया कर दिए। उसके बाद देखिए इंडिया आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम इफ एल्स का यूज करके इसके कंडीशन को चेक करेंगे। तो पहले हम आपको इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एसटीडी नेम इज इक्वल टू ब्लैंक और यहां पे अलर्ट टी एल ई एस ए प्लीज इनपुट इनपुट योर प्लीज इनपुट योर नेम, ओके क्लियर। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लीज इनपुट योर नेम पूछ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं, ये देखिए अब हमने नहीं पूछा, क्लियर यहां तक। अब इसी टाइप से सारे को प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, else if लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे else if लगा लेते हैं, else if कंडीशन लगाएंगे। तो ये काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये वेरिएबल नेम अब हमारा ईमेल के लिए चेक होगा, तो यहाँ पे एसटीडी ईमेल लिख देते हैं और ये जब ब्लैंक होगा तो हमें प्लीज इनपुट स्टूडेंट ईमेल लिख देते हैं, stud एंड स्टूडेंट ईमेल, यहाँ पे चलिए यूर डाक करके स्टूडेंट ही लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट का लिस्ट है स्टूडेंट, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को और फिर से पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम कॉन्टैक्ट को वेरिएबल नेम कॉन्टैक्ट को कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे क्या अलर्ट मैसेज हमें दिखाना है, प्लीज इनपुट स्टूडेंट मोबाइल नेम मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं और इसमें हमारा कंट्री है तो कंट्री को वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर दिए और प्लीज इनपुट नहीं इसमें सेलेक्ट होगा प्लीज सेलेक्ट स्टूडेंट कंट्री नेम, ठीक है। सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे, देखिए स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, नाम डाल दिए RM राम कुमार। उसके बाद फिर क्लिक करते हैं, ये देखिए ईमेल पूछा तो ram@gmail.com, ठीक है। उसके बाद क्लिक करते हैं, अब पूछता है स्टूडेंट का मोबाइल नंबर तो 99 कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं प्लीज सेलेक्ट योर स्टूडेंट कंट्री नेम, देखिए तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिए, अब ये काम कर गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब सबको पहले रिफ्रेश करते हैं। इसमें देखिए सब में हम एक स्पेसिंग दे करके इस टाइप से हम कुछ फिल कर दिए, ठीक है, सब में हम कर देते हैं और सब में करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज सेलेक्ट योर स्टूडेंट कंट्री नेम, इस टाइप से दे रहा है,
फिर से पहले रिफ्रेश करते हैं, सिंगल को ही देखते हैं। ये देखिए, प्लीज सेलेक्ट इन, प्लीज इनपुट स्टूडेंट ईमेल नंबर, मतलब कि हमारा ये नेम नहीं पूछा। और इसी टाइप से हम अगर इसमें कर दिए थे तो ईमेल भी नहीं पूछा था। ये देखिए, हमारा ईमेल नहीं पूछा, अब डायरेक्ट मोबाइल नंबर पूछा। अगर इसको भी इस टाइप से फिल कर दिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं पूछा, अब डायरेक्ट कंट्री पूछा। इस टाइप से मतलब कि टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हैं तो वो समझता है कि ये फिल हो गया है, इसलिए पॉपअप मैसेज नहीं देता है, मतलब अलर्ट मैसेज शो नहीं कर रहा है, वैलिडेशन नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा यह स्पेसिंग है इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जावास्क्रिप्ट में इसको हम रिमूव करवाते हैं ताकि हमें सही से वैलिडेशन करके दे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हम वेरिएबल स्टोर किए हैं, वेरिएबल बनाए हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिंग को रिप्लेस करवा लेंगे। तो रिप्लेस कराने के लिए देखिए एक टिप्स है, क्या स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम क्या है, एसटीडी नेम। तो एसटीडी नेम इज इक्वल टू एसटीडी नेम डॉट रिप्लेस राउंड ब्रेसेस, उसके बाद बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फिर जी, फिर बैक स्लैश, माफ कीजिएगा यहाँ पे एस होगा, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर जी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा दे करके स्पेसिंग का इस टाइप से दे देंगे, डबल कॉमा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे। अब देखिए नेम में जाकर के स्पेसिंग दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए अभी पूछ रहा है प्लीज इनपुट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे अब डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी राम। अब देखिए हमें ईमेल पूछेगा, लेकिन इसमें हम स्पेसिंग अगर डाल देते हैं तो क्या ईमेल अब नहीं पूछेगा, नहीं पूछा ना, इसलिए सब में हमें स्पेसिंग को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले इसको एक इंटर दे देते हैं, इसके बाद पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, उसके बाद इंटर कर दिए और यहाँ पे क्लास पहले सब में कर देते हैं, पहले सब में पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, अब हम वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं, ईमेल का वेरिएबल नेम एसटीडी ईमेल है तो नेम ये चेंज कर दिए। अब हम इसको भी चेंज कर लिए। कंट्री में ज़रूरत नहीं है, कंट्री इनपुट फील्ड नहीं है ना, इसमें ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब सब में हम स्पेसिंग डाल देते हैं। ठीक है, सब में डाल दिए, अब देखिए हमारा वैलिडेशन काम करेगा। प्लीज इनपुट स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे राम, उसके बाद फिर यहाँ पे डालते हैं ईमेल, फिर पूछ रहा है, देखिए काम कर रहा है मेरा, हमारा प्रॉपर ram@gmail.com, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 9999, उसके बाद कंट्री, अब कंट्री तो हम सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा। हो गया ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो अब हम क्लास टाइम को वैलिडेशन कराएंगे। तो क्लास टाइम के लिए हम रेडियो बटन का यूज किए हैं, तो रेडियो बटन में होता क्या है इसको समझाते हैं। रेडियो बटन में देखिए, ये जी कितना भी रेडियो बटन हो एक ग्रुप में, उस सब में आप एक ही को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए इस पर क्लिक किए तो ये सेलेक्ट हुआ, जब इस पर क्लिक किए तो ये सेलेक्ट हुआ, जब इस पर क्लिक किए तो ये सेलेक्ट हुआ। तो इसको वैलिडेशन कैसे कराएंगे, तो एक वेरिएबल लेंगे जिसमें सेलेक्ट किए हुए वैल्यू को स्टोर कराएंगे, उसके बाद उसको वैलिडेशन करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं var var std, और टाइमिंग के लिए है तो इसलिए टाइम दे देते हैं, टाइम नाम से वेरिएबल देते हैं एसटीडी टाइम। ठीक है, उसके बाद इसी एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पहले यहीं तक इसको कॉपी करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और उसके बाद एसटीडी टाइमिंग का जो हमारा है उसका क्लास नेम देख लेते हैं। ये देखिए इसमें सारे के क्लास नेम सेम है, देखिए टाइम टाइम टाइम। ठीक है, तो
इसमें इसमें किसकी वैल्यू जाएगी, जिस पिक को हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम क्लास के नेम हमारा सेम है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब जो यूजर सेलेक्ट करेगा तो जो सेलेक्टेड वैल्यू को लेने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक सिंटैक्स मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले डबल कॉलन, कॉलन डबल बिंदी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड, मतलब कि यूजर जो चेक कर लिया, मतलब क्लिक कर लिया, उसकी वैल्यू CHECKED, ठीक है, चेक्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चेक क्या हुआ, वैल्यू इसके अंदर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम फिर से करते हैं, else if लगाते हैं, else if, उसके बाद std time is equal to null, मतलब कि अगर std time में कोई यूजर क्लिक नहीं किया हो तो क्या मैसेज प्रिंट करें, हमें अलर्ट में हमें प्रिंट करें कि प्लीज चूज योर क्लास टाइम, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको ब्राउजर पे, ये देखिए अब सब में पहले भर देते हैं, राम कुमार @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 999, कंट्री इंडिया, इस क्लास टाइमिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लिक किए, देखिए प्लीज चूज योर क्लास टाइमिंग, अब ये पॉपअप दे दिया, ठीक है। जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे तीनों पे, तब तक ये मैसेज देगा। चलिए अब इस पर क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए अब हमने कोई मैसेज नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोग को। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, कोर्स लिस्ट को पॉपअप करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक पहले इस कोर्स टाइमिंग तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डेटा लिस्ट को डिस्प्ले कराने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अभी जो हम कोर्स लिस्ट लिए थे, इसको इसलिए लिए थे क्योंकि कोर्स लिस्ट के अंदर ही हमारा जो यूजर क्लिक कर रहा था हमारा कोर्स के ऊपर, कोर्स लिस्ट के ऊपर, तो ये कोर्स लिस्ट के अंदर ही उसकी वैल्यू जा रहा था। ये जो हमारा ये एसटीडी कोर्स है, इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर कोर्स के एलिमेंट जा रहा है, लेकिन कोर्स की वैल्यू किसके अंदर जा रहा है, कोर्स लिस्ट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा देखेंगे तो कोर्स लिस्ट इसके अंदर असाइन किया गया है एक्स डॉट वैल्यू, ये देखिए एक्स कोर्स की वैल्यू इसमें असाइन किया गया है, और ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और इसी के थ्रू इसके कंडीशन को चेक कराए थे, ठीक है। तो अब हम इसके जो भी यूजर डेटा डाला उसके उसको हम डेटा को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए देखिए हम यहाँ पे दो क्लास नेम लिए हैं, डिव है ये, देखिए मेन डिव है, उसके इनर डिव है ये। तो मेन डिव का नाम है क्या, रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट डेटा है। तो ये रिजल्ट जो है सी एस एस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नन कराया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कराएंगे, और उसके बाद इस रिजल्ट डेटा के अंदर सारे यूजर डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स लगाते हैं, एल्स देते हैं, और इसके अंदर इसको फाइंड करते हैं और उसको डिस्प्ले ब्लॉक कराते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और उससे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और डबल कॉमा डॉट रिजल्ट डेटा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और हमें फाइंड करनी है, जिसके अंदर हम उसके इनर एचटीएमएल के अंदर सारे डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट डेटा उसका नाम है, क्लास नेम क्या है, रिजल्ट डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं रिजल्ट डेटा के नाम से, सॉरी माफ कीजिएगा, रिजल्ट डेटा तो हमारा ये हो गया, ये जो पेरेंट है इसका नाम रिजल्ट है, ठीक है।
तो इसको हम कर देते हैं रिजल्ट, और ये नीचे वाला था हमारा रिजल्ट डेटा। इसी के इनर एचटीएमएल में हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है, यानी कि इंसर्ट कराना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है इनर एचटीएमएल का, INNER इनर एचटीएमएल का सारे कैप्स में एचटीएमएल इज इक्वल टू, सबसे पहले में क्या देना है नेम के डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो नेम NAME नेम, और यहाँ पे कंकनेटिक ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्या डिस्प्ले कराएंगे इसके नेम के डेटा को। तो नेम के वेरिएबल नेम क्या है STD नेम, ठीक है। इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ओके। अब सेव कर दिए, पहले इसको हम डिस्प्ले करा करके देख लेते हैं। तो रिफ्रेश कर दिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाल देते हैं राज @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 999, कंट्री इंडिया, ATM जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पहले सिर्फ हमारा नेम आ गया राज, चिपका हुआ आ रहा है इसलिए हम थोड़ा सा स्पेसिंग देना चाहें तो यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, ओके। स्पेसिंग दे दिए और कंकनेटिक ऑपरेटर का यूज यहाँ पे कर दिए, क्लियर। रिफ्रेश करते हैं, देखिए फिर से राज@gmail, gmail.com और कॉन्टेक्ट नंबर 999, कंट्री हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम, ATM जावास्क्रिप्ट, क्लिक कर दिए, देखिए ठीक है, क्लियर। अब इसी टाइप से हम पहले सबसे पहले किसको किसको डेटा को देख लेते हैं, ईमेल देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, कंट्री देख लेते हैं, क्लास टाइमिंग देख लेते हैं, इतना को देखते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लस, उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं नेम, उसके बाद हमारा ईमेल दिखाना है, ईमेल, उसके बाद हमें दिखाना क्या है इसको कनेक्टिक ऑपरेटर का यहाँ भी यूज करना होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद ईमेल के बाद हमें क्या दिखाना है, एक सेकेंड, ईमेल के बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद हमें क्या दिखाना है कंट्री दिखाना है, उसके बाद क्लास टाइमिंग दिखाना है, एक काम करते हैं इसको कॉपी पहले कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और कंट्री क्लास, सॉरी क्लास टाइमिंग, तो यहाँ पे क्लास टाइमिंग डाल देते हैं। अब इसके सारे वेरिएबल नेम देते हैं, नेम हो गया, अब ईमेल का वेरिएबल नेम क्या है STD ईमेल, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं STD ईमेल, और उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर है तो STD कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट ये रहा, उसके बाद हमारा क्या नाम है STD टाइम, सॉरी उससे पहले कंट्री है, कंट्री, तो कंट्री वाला जो इसमें रखें तो कंट्री, और उसके बाद टाइमिंग है हमारा STD टाइम, कॉपी और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं और डेटा को भर करके देखते हैं, अभी इसको छोड़ दिए हैं बाकी सारे को किए हैं, ठीक है। तो राम कुमार @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 999, कंट्री इंडिया, ATM। अब देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, कंसोल एरर आ गया होगा, देखते हैं, अनकॉस्ट सिंटैक्स एरर लाइन नंबर 219 219, थोड़ा
यहाँ पे था, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। ram@gmail.com कॉन्टेक्ट 999, कंट्री हमारा चलिए इंडिया कर देते हैं। एटीएम जावास्क्रिप्ट, अब देखिए हमारा सारा आ गया, लेकिन ये क्लास टाइम ऑब्जेक्ट रूप के रूप में दिया है। तो क्लास नेम हमारा ये क्लास टाइम एसटीडी टाइम डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ सेलेक्टेड आ रहा है, इसके अंदर जो हमारा ये क्या है एसटीडी टाइम, ये जो यूजर सेलेक्ट किया हुआ एलिमेंट दे रहा है, इसकी वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसकी वैल्यू को लेने के लिए हम यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा दिए, ठीक है, क्लियर। अब रिफ्रेश करते हैं, फिर से लेते हैं ram@gmail.com कॉन्टैक्ट 999 इन कंट्री इंडिया एटीएम जावास्क्रिप्ट एंगुलर नोड, ये सारे डाल दिए। अब देखिए सारे आ गया, राम ईमेल कॉन्टैक्ट सारे आ गया, कंट्री क्लास टाइमिंग, सिर्फ इसको छोड़ करके सारे आ गया, इसको अभी डिस्प्ले नहीं कराया, एक काम करा लेते हैं, इसको हम ब्रेक भी करवा लेते हैं, तो इस यहीं पे कर लेते हैं, सब में एक br लगा देते हैं, br, ठीक है, br, रिफ्रेश करते हैं, फिर से डालते हैं ram@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर 999 कंट्री इंडिया एटीएम जावास्क्रिप्ट। अब देखिए सारे, तो अब हम कोर्स लिस्ट को वैलिडेशन करने वाले हैं, तो कोर्स लिस्ट में हम क्या यूज किए हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, मतलब रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में क्या अंतर है, रेडियो बॉक्स में हम लोग क्या देखे थे, इसमें कितना भी रेडियो बॉक्स हो उसमें सिंगल ही एलिमेंट सेलेक्ट होगा, लेकिन चेक बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, चेक बॉक्स में जितना एलिमेंट होगा जितना पे क्लिक करेंगे उतना सेलेक्ट होगा, मतलब कि उतना चेक्ड होगा। जैसे कि देखिए इस पर क्लिक कर दिए, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक कर दिए ये भी सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक कर दिए ये भी सेलेक्ट हो गया, इस पर ये भी सेलेक्ट हो गया, इस पर ये भी सेलेक्ट हो गया, मतलब जितना पे हम क्लिक किए सभी सेलेक्ट हो गया, तो क्लियर। तो देखिए तो इसमें भी सेम इसी टाइप से काम करेंगे, मतलब कि जो जिस पे यूजर क्लिक करे उसकी वैल्यू उसके वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, एक वेरिएबल में, उसके बाद उसके कंडीशन को चेक कराएंगे। तो इसमें एक डिफरेंट होगा, इसमें तो सिंगल होता था तो इसका वैल्यू एक वेरिएबल में चला गया था तो क्यूरी सेलेक्टर का यूज कर लिए थे, लेकिन इसमें अगर इस पे रिफ्रेश पहले करते हैं, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, तो हमारा वैलिडेशन तो काम कर जाएगा, क्यूरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, लेकिन बाय चांस यूजर इस पे क्लिक नहीं किया और सारे पे क्लिक कर दिया, इस पे भी या तो इस पे भी किसी पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है, तो तब तो हमारा कंडीशन गलत होगा, क्योंकि क्यूरी सेलेक्टर सिंगल जो पहला एलिमेंट होता है उसी को सेलेक्ट करता है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और क्यूरी सेलेक्टर ऑल के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच मेथड का, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डॉम में ही। तो चलिए अपने एचटीएमएल एडिटर में चलते हैं, जहाँ पे हम क्यूरी सेलेक्टर ऑल के थ्रू ये सारे वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करा करके देखेंगे, मतलब चेक किए हुए वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, चेक किए हुए वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, इसमें जितना भी यूजर क्लिक करेगा उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उसके बाद कंडीशन को चेक कराएंगे। तो चलिए हम जो हमारा ये चेक बॉक्स जो हमारा है ये कोर्स लिस्ट, इसका क्लास के नेम को फाइंड करते हैं।
तो को देखिए क्लास का नाम क्या है इसका, देखिए जावास्क्रिप्ट का क्लास नेम हो गया हमारा कोर्स, सारे का कोर्स नेम है। तो ठीक, हम इसी टाइप से यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल फिर से लेंगे वैर एसटीडी कोर्स, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्यूरी सेलेक्टर ऑल का यूज करेंगे क्योंकि हमें सारे वैल्यू चाहिए, चेक किए हुए सारे वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल कॉमा डॉट कोर्स, क्लास नाम क्या नाम था, क्लास का नाम कोर्स। तो यहाँ पे एक सेकेंड इसका कॉपी कर लेते हैं, ये क्लास नेम देखिए कोर्स है, कोर्स को कॉपी कर लिए। उसके बाद हमें जैसे इसमें चेक लिखे थे ठीक इसी टाइप से इसमें भी चेक लिख देंगे, मतलब कि जो जो यूजर सेलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू इसके अंदर जाएगा। एस टी ई लिखा गया, इसको एस टी डी कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके साथ हमें यूज क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच मैथड का। तो फॉर ईच मैथड को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस टी डी कोर्स जो हमारा ये वेरिएबल नेम है डॉट फोर ई एस सी एच, फोर ईच राउंड ब्रेसेस। उसके बाद इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, एक फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नाम दे देते हैं कोर्स फंक्स, ठीक है कोर्स फंक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, फंक्शन कोर्स फंक्स राउंड ब्रेसेस उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये कोर्स फंक्स यूज किए, इसके अंदर एक पैरामीटर डाल देते हैं जिसके थ्रू ये सारे जो कोर्स की वैल्यू है, मतलब इसके जितने भी वैल्यू है सारे को एक एक करके रिटर्न करेगा। तो वैल्यू से पहले क्या रिटर्न करेगा, हमें एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो एलिमेंट को पहले रिटर्न, देखिए आपको कंसोल में हम आपको प्रिंट करा करके दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है क्लिक कर दिए एक्स, ठीक है रिफ्रेश करते हैं और इसमें डाल देते हैं rraj@gmail.com और कॉन्टेक्ट नंबर 999, कंट्री हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम, ATM, और क्लिक करते हैं। अब देखिए कंसोल में अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिए, अब इस दोनों के एलिमेंट दिखाएगा, ठीक है ये देखिए दोनों के एलिमेंट दिखा दिया कोर्स, ये देखिए इसका वैल्यू देखिए जावास्क्रिप्ट एंगुलर, इस पर फिर से सारे सब पिक कर देते हैं तो देखिए सारे हमें रिटर्न करेगा। ये देखिए ये ऊपर पहले वाला आ गया है और ये देखिए जावास्क्रिप्ट एंगुलर नोड मैंगो एक्सप्रेस सारे एलिमेंट आ गया। अब क्या चाहिए हमें, इसकी वैल्यू को चाहिए, तो इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, एक इसके ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं वैर कोर्स लिस्ट, ठीक है CORS कोर्स LIST कोर्स लिस्ट, ठीक है एल कैप्स में कर देते हैं कोर्स लिस्ट। तो इसी में हम इसके वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं एक सेकेंड, कोर्स लिस्ट और इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू, ओके एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है ये क्लियर। उसके बाद हम इसे कंसोल में इसे भी प्रिंट करा करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है नहीं, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर देंगे कोर्स लिस्ट एंड सॉरी, और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं फिर से, इसमें सब में कुछ भी भर देते हैं, raj@gmail.com और कॉन्टेक्ट नंबर 999 कुछ भी डाल देते हैं, कंट्री इंडिया, ATM फिलहाल कुछ क्लिक किए कुछ नहीं आया। अब इस पर देखिए जावास्क्रिप्ट एंगुलर नोड मैंगो डीबी एक्सप्रेस, देखिए अब सबकी वैल्यू आ गया, ठीक है ये क्लियर ऑलरेडी। अब हम वैलिडेट करेंगे, इसको भी सेम उसी टाइप से हमें वैलिडेट करना है, else if
इज इक्वल टू else if, उसके बाद देखिए इफ में हम कंडीशन क्या डालेंगे, हमारा ये जो कोर्स लिस्ट है अभी क्या है अनडिफाइंड है, इसी के थ्रू हम कर लेते हैं। तो कोर्स लिस्ट इज इक्वल टू नल, वहां पे हमें क्या करेगा, प्लीज चूज योर कोर्स, कोर्स नेम, प्लीज चूज योर कोर्स नेम, सी ओ यू आर एस, कोर्स नेम, ठीक है, क्लियर। अब हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए रिफ्रेश कर दिए, उसके बाद फिर से देखिए क्लिक करते हैं, स्टूडेंट नेम पूछा, आर ए जे राज, ईमेल पूछा आर ए जे राज @gmail.com, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर पूछा 999, उसके बाद हमारा कंट्री पूछा, कंट्री भी सेलेक्ट कर लिया यूनाइटेड किंगडम, इस पे आप देखिए चूज क्लास टाइमिंग, टाइमिंग भी सेलेक्ट कर दिए, अब चूज कोर्स नेम, ये देखिए कोर्स नेम भी आ रहा है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगोडीबी और एक्सप्रेस क्लिक कर दिए, देखिए अब कुछ नहीं पूछा है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ये सारा जो भी डेटा भरे हैं इसको हम एक ऊपर में जो कोई एक कलर डिव होगा उसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कोर्स लिस्ट के डेटा को भी डिस्प्ले कराना, मैं इतना को तो देख लिए, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, कंट्री, क्लास नेम, सॉरी क्लास टाइम को तो देख लिए, लेकिन अब हम कोर्स लिस्ट के भी डेटा को डिस्प्ले करा करके देखेंगे। तो चलिए एचटीएमएल एडिटर में चलते हैं, तो एक काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉमा काटा करके कंकैटनेटिंग ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या कराना है, कोर्स लिस्ट को है, सी ओ यू आर एस, कोर्स, सब्जेक्ट नेम कर देते हैं, चलिए कोर्स लिस्ट ही रखते हैं, कोर्स, कोर्सेज कर देते हैं, कोर्सेज। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या कोर्सेज को, कौन कौन से कोर्स स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसकी डेटा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो एक सेकेंड यहाँ पे देखिए किसके अंदर, कोर्स लिस्ट के अंदर, जो कि अभी हम आपको बताए थे कि कोर्स लिस्ट के अंदर ही डेटा सारा स्टोर हो रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे डालते हैं राम, क्लिक करते हैं, देखिए ईमेल मेल सब पूछ रहा है, ram@gmail.com, उसके बाद क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है, बिल्कुल सही 9911, ठीक है। उसके बाद हमारा कंट्री नेम, ये भी सही है। उसके बाद हमारा क्लास टाइमिंग, चलिए 6 PM to 8 PM कर देते हैं, ये भी क्लिक सही है। उसके बाद कोर्स नेम, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगोडीबी, एक्सप्रेस, सबको सेलेक्ट कर दिया, उस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए मेरा नाम तो सही आ गया, ईमेल भी सही आ गया, कॉन्टैक्ट भी सही आ गया, कंट्री भी सही आ गया, टाइमिंग भी सही आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए कोर्सेज नेम में क्या हुआ है, सबसे लास्ट वाला हमारा डेटा आया है, पूरा नहीं आया, क्यों, क्योंकि जो ये हम यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ पे देखिए कोर्स लिस्ट में वो हर बार वो वैल्यू आ रहा है, उसके बाद वो चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए फिर से डालते हैं ram@gmail.com, कंट्री कॉन्टैक्ट 999, कंट्री इंडिया, ATM, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगोडीबी, एक्सप्रेस, देखिए सारे आ गया, अब मेरा सारा डेटा आ गया, नेम राम, ईमेल ram@gmail.com, कॉन्टैक्ट 999, ठीक है, कंट्री इंडिया,
टाइमिंग भी आ गया, 8 AM to 10 PM। और कोर्सेज में देखिए अनडिफाइंड एक वर्ड आ रहा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ठीक है, एंगुलर ठीक है, नोड ठीक है, नोड जेएस, मैंगो डीबी ठीक है, एक्सप्रेस जेएस ये भी सही आ रहा, लेकिन इसके अंदर अनडिफाइंड आ रहा है और चिपका चिपका हुआ आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चिपका चिपका हुआ है उसको हटाते हैं, सटा जो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आगे एक ये ले लेते हैं, स्पेसिंग ले लेते हैं और इसको कनेटिक ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। पहले इसको दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर से डालते हैं राम राम कुमार राम @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 999, कंट्री हो जाएगा हमारा इंडिया, कॉल क्लास टाइम 8 AM, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगो डीबी, एक्सप्रेस, क्लिक कर दिए, ये देखिए सारे आ रहा है, लेकिन ये अनडिफाइंड ये आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ब्रेक भी करना चाहते थे ब्रेक भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, फिर से रिफ्रेश करते हैं, राम ईमेल राम @gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर 999, कंट्री इंडिया, 8 AM, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगो डीबी, एक्सप्रेस, देखिए सारा आ गया, कॉमा आ गया, सारा आ गया, लेकिन अनडिफाइंड अब हमें हटाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे फॉर ईच यूज किए हैं, ये फंक्शन यूज किए हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ, ये क्यों आ रहा है पहले इसको समझिए, कंडीशन लगाने से पहले आपको ये समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कोर्स लिस्ट है, यहाँ पे हम इस पे इसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं, कुछ नल रखे हैं, ठीक है, न ब्लैंक रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं, तो इसलिए ये अनडिफाइंड है, इसलिए ही दे रहा है ये, क्योंकि ये वेरिएबल जो है कौन है, क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो सबसे पहले ये पहले यहाँ जा रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, उसके बाद ये कंडीशन चेक हो रहा है, उसके बाद सारा वैल्यू इसके अंदर ऐड होते जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ऐड होते जा रहा है, उसके बाद डिस्प्ले हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ इफ कोर्स लिस्ट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, जब कोर्स लिस्ट अनडिफाइंड रहे तो क्या करें, कोर्स लिस्ट को ब्लैंक कर दे, ये हमारा कोर्स लिस्ट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, कोर्स लिस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, इस टाइप से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब फिर से फाइनल अब क्लिक करके देखते हैं, भर करके, पहले बिना भरे हुए क्लिक करते हैं, देखिए स्टूडेंट नेम डाल देते हैं राम कुमार, उसके बाद ईमेल पे क्लिक करते हैं, अब ईमेल का वैलिडेशन भी आ गया, तो ram@gmail.com, ठीक है, क्लिक कर दिए, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर का वैलिडेशन भी आ गया, तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं 999, उसके बाद क्लिक करते हैं, अब हमें कंट्री का भी वैलिडेशन आ गया, क्लिक कर लेते हैं इंडिया, फिर उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे बटन पे, ये देखिए चूज योर क्लास टाइम, टाइम 12 PM to 2 PM सेलेक्ट कर दिए, क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लीज चूज योर कोर्स नेम, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, मैंगो डीबी, एक्सप्रेस क्लिक कर दिए, ये देखिए सारा डेटा शो हो गया हमारा, रिजल्ट नेम, रिजल्ट डेटा नेम राम कुमार, ठीक है, राम कुमार ram@gmail.com 999, उसके बाद इंडिया 12 PM, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, एक्सप्रेस जिस, मैंगो डीबी, ठीक है, ये क्लियर। तो एक चीज और इसमें अभी एरर है, इसमें देखिए रिफ्रेश करते हैं, इसमें राम कुमार सिर्फ इसमें राम लिखते हैं, जबकि जीमेल में हमें क्या चलता है @, उसके बाद gmail.com या कुछ भी होता है, ठीक है,
तो ये हमारा एट्रेट नहीं ले रहा है ना डॉट ले रहा है, इसमें कुछ भी डाल रहे हैं तो भी हमारा रन हो रहा है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर में भी हम कुछ भी डाल देते हैं, इसमें भी कुछ भी डाल देते हैं तो भी हमारा रन हो रहा है। और इसको इस पे कर देते हैं, देखिए तो भी हमारा रन हो रहा है, तो भी हमारा रन हो गया। जबकि ईमेल, ये तो हमारा ईमेल नहीं है, ये कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, फिर भी हमारा रन हो गया, वैलिडेशन ये रन हो गया। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर को। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो, आपका इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सा क्लियर हो जाएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।